नमस्कार दोस्तों, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अपने समय के 500 ग्रेजुएट व्यक्ति के बराबर बुद्धि रखते थे। वे एक राजनेता, समाज सुधारक, लेखक और दार्शनिक भी थे। अक्सर हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि बाबा साहेब कौन कौन सी किताबें लिखे, उन्हें हम जरूर जानें। आइए जानते हैं इस वीडियो में बाबा साहेब कौन कौन सी किताबें लिखे, उन्हें जानेंगे, उन्हें और कब प्रकाशित किया गया। बाबा साहेब की पहली किताब का नाम था कास्ट इन इंडिया, डियर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जिसे 1916 में प्रकाशित किया गया था। दूसरी किताब का नाम था मूक नायक, जो कि एक वीकली यानी कि साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसे 1920 में लॉन्च किया गया था। और तीसरी किताब का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन्स एंड इट्स सॉल्यूशन, जिसे 1923 में प्रकाशित किया गया था। इसी किताब के बेसिस पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और चौथी किताब का नाम है बहिष्कृत भारत, जिसे 1927 में प्रकाशित किया गया था। और अगला किताब का नाम है जनता, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसे 1930 में प्रकाशित किया गया था। और छठी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब का नाम था द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जिसे 1936 में प्रकाशित किया गया था। और अगली किताब का नाम है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जिसे 1940 में प्रकाशित किया गया था, जब जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की मांग की जा रही थी। आगे की किताब का नाम है मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन आर अनटचेबल्स, जिसे 1943 में ही लॉन्च किया गया था। और अगली किताब का नाम है व्हाट्स कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, 1945 में लॉन्च किया गया था। और अगली किताब का नाम है पाकिस्तान आर पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की बंटवारे की बात है, जिसे 1945 में लॉन्च किया गया था। और अगली किताब का नाम है इट्स ए स्टेट्स एंड मिनोरिटीज, जिसे 1947 में लॉन्च किया गया था। और अगली किताब का नाम है हु वर द शूद्रज, जो कि अधिक बिकने वाली किताब है, जिसे 1948 में लॉन्च किया गया था। और अगली किताब का नाम है महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक्स प्रोविंस, जिसे 1948 में लॉन्च किया गया था। ऐसी सभी किताबों को हमें याद करके ज़रूर रखना चाहिए। लाइन को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।